बिल्कुल भाई, मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जी की बदौलत मध्य प्रदेश में सरकार बनी। उन्होंने दिनों रात मेहनत करी और हम जैसे लोगों को उन्होंने चुनाव में खड़ा किया और चुनाव भी जिताया। और आम जनमानस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। उसके बाद में अध्यक्ष के लिए उनका नाम आया तो अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, और फिर उसके बाद में उनका लोकसभा के लिए नामांकन होना था कांग्रेस से राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए भी उनको टिकट नहीं दिया जा रहा था। तो इतना घोर अपमान लोकतंत्र में सहन करने योग्य नहीं है। अपने घर को छोड़कर जाने में दर्द होता है, लेकिन जिन लोगों ने मजबूर किया है इसके दोषी वो लोग हैं। हमने कमलनाथ जी से, मैं, रघुराज कंसाना, कमलेश ने कई इशू पर हमने कमलनाथ जी से कहा था कि आप थोड़ा झुक जाएं और सिंधिया जी से बात कर लें, और सिंधिया और हमारे क्षेत्र में जो हस्तक्षेप हो रहा है, जो डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह जो हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, चंबल क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में, इस हस्तक्षेप को रोकिए। दिग्विजय सिंह ने अपने बच्चे को बनवा लिया मंत्री, अपने भतीजे को मंत्री बनवा लिया, और फिर भी सरकार को जकड़े हुए हैं। ये उनकी बहुत